ग्राम उमरपोटी के घर में देर रात सांप होने की खबर से घर वालों में दहशत का माहौल देखने को मिला। आनन फानन में घर वालों ने स्नेक रिलीफ फाउंडेशन के राजा कुमार को फोन किया। तब उन्होंने फोन आने के 15 मिनट के भीतर उमरपोटी पहुंचकर घर वालों को राहत पहुंचाई। स्नेक रिलीफ फाउंडेशन लगातार निःशुल्क सेवा देकर आम जनमानस के भीतर से सांप और अन्य जहरीले जीव जंतुओं के प्रति डर खत्म करने का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में ग्राम उमरपोटी में निवास करने वाले एक घर में इंडियन प्रैक्टिकल कोबरा देखा गया, जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है और यह सांप काफी जहरीला भी माना जाता है। सांप को देखते ही परिवार वालों के होश उड़ गए और तुरंत उन्होंने स्नेक रिलीफ फंड के राजा कुमार को फोन करके संपर्क किया और राजा कुमार महज 15 मिनट में उनके घर पहुंच गए और रात में ही सांप को रेस्क्यू किया। तब जाकर परिवार वालों ने राहत की सांस ली। दूसरे दिन राजा कुमार ने उस सांप को जंगल में छोड़ दिया। पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी न्यूज टीम को दी है, साथ ही स्नेक रिलीफ फंड के अध्यक्ष राजा कुमार ने घटना की जानकारी भी न्यूज टीम को दी है। रात 11:30 बजे गौहाटों में सांप घुस गया था, तो एक रेस्क्यू टीम को बुलाया हूँ, उन लोग आके फिर उसको पकड़े हैं, नहीं तो हम रात भर परेशान हो जाते। अब रात में कम से कम अब चैन की नींद सो जाएंगे। सांप पकड़े, धन्यवाद। स्नेक रिलीफ फाउंडेशन का संस्था का राजा कुमार हूँ। इसे रात के 11:30 बजे कल कॉल आया था, उमरपोटी में स्नेक निकला है, जिसे हमने रात में जाके रेस्क्यू किया है और उस सांप को आज ले जाके हमने फॉरेस्ट में अभी रिलीफ करके आ रहा हूँ। स्नेक रिलीफ फंड का सिर्फ एक ही मकसद है कि सांप सहित अन्य जहरीले जीव जंतुओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और इन्हें विलुप्त होने से बचाया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।